नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ जनपद में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट गंगा नगरी पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से श्रद्धालु तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे और पूजा अर्चना कर परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महत्व अपने आप में अलग ही बताया गया है। आज के दिन भक्त लोग अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर हवन पूजा अर्चना की और गरीब लोगों को दान पुण्य भी किया। श्रद्धालुओं ने माँ गंगे से घर में सुख शांति की प्रार्थना भी की। वही कोविड-19 को देखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं से पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए अपील करी है कि कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन करें व जल्द से जल्द गंगा स्नान करके अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचे। कोविड-19 की पालन की बात करें तो उसका पालन होता कहीं दिखाई नहीं दिया। श्रद्धालु प्रशासन द्वारा अपील करने के बावजूद भी कोविड-19 के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं दिखे। क्या नाम है अपना? हर हर महादेव, हर हर गंगे। मेरा नाम है नंदलाल शर्मा। तो आज जो गुरु पूर्णिमा है, क्या इसका महत्व होता है? इसका महत्व है कि गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफा लेके जाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर ब्रजघाट में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जैसा हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं। यह स्नान के बाद में पूजा अर्चना और हवन वगैरह करते हैं, दान वगैरह करते हैं गुरु के प्रतीक और पूजा पाठ करते हैं। मेरा नाम मानस होता है। तो आज जैसे गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा क्या महत्व होता है? गुरु पूर्णिमा का यह महत्व है कि मतलब जो होते हैं गुरु को पूजा करते हैं गुरु की, और गुरु को मानते हैं, और उनके लिए मतलब लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं गुरु के नाम से, और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं नहाने धोने के लिए। और मतलब बहुत महत्व है गुरु पूर्णिमा का। ये लगाइए कि मतलब बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, दिल्ली से, हरिद्वार से, गंगा, मतलब बहुत बहुत दूर से हरिद्वार लोग आते हैं और गुरुओं की पूजा होती है। और आपके मतलब गंगा का नहाने का बहुत अच्छा महत्व होता है गुरु पूर्णिमा पे। और आपका नाम है? आपका जी, मेरा नाम गजेंद्र मोक्ष आचार्य। तो पंडित जी, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है? महत्व ये है कि बहुत श्रद्धा से यहाँ लोग आते हैं गंगा नहाने के लिए, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। जो अपने मन में जो भी गुरु है, माता या पिता, जो भी जो गुरु हैं, जो गुरु दक्षिणा देते हैं, उनकी आज के दिन पूजा होती है। उनका एक ही दिन है गुरु पूर्णिमा, जब पूजा होती है उनकी। यही महत्व है इसका। मिशन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जिसमें पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि दो चचेरे भाइयों ने भाई के तमंचे की बट और पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है मृतक और आरोपियों के बीच पहले मामूली विवाद हुआ था, जिस पर मृतक ने आरोपियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आरोपी ने मृतक की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के बिलोटा गांव का है। उमेश और उसकी पत्नी के बीच बच्चों के खाना फैलाने को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसी बीच चचेरा भाई राम प्रसाद वहां आ गया और किसी बात को लेकर उमेश और उमेश के भाई रमेश का चचेरे भाई राम प्रसाद से झगड़ा होने लगा, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि राम प्रसाद ने तमंचे से फायरिंग कर दी। फायरिंग करने पर गुस्साए उमेश और रमेश ने राम प्रसाद की तमंचे की पट और पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये ग्राम बिलौटा की घटना है और ये थाना पुराना में पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति उमेश जो था, वो अपनी पत्नी नेहा से बच्चों के खाना गिराने के लेकर विवाद हो रहा था, क्रासुनी हो रही थी पति पत्नी, और ये उमेश का भाई जो है, वो जिसका नाम प्रदीप है, वो भी मौजूद था। इसका चचेरा भाई है जिनका नाम राम प्रसाद है, उन्होंने जो है इंटरफेयर किया, इसमें आपस में उनमें झगड़ा हुआ और राम प्रसाद के द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि एक फायर किया गया। इस पर रमेश और जो उमेश और इनके भाई जो प्रदीप थे, इन्होंने राम प्रसाद को दौड़ा लिया और उसी का तमंचा छीन करके उसके पट से और पत्थर से कूच करके जो है राम प्रसाद की हत्या इन्होंने कर दी। इसमें जो है मुकदमा प्रासंख्या 161 जो है अंडर सेक्शन 302 IPC पंजीकृत कर लिया गया है। जो मृतक राम प्रसाद है, उनके जो भाई है, उनकी तहरीर पर
जिसमें दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और जो सबको कब्जे में ले लिया गया है उसका पंचनामा बनकर पोस्टमार्टम में भेजा गया है। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। नेमावत जलकन्या हत्याकांड को लेकर देश के कोने कोने से विभिन्न संगठनों के लोग जलकन्या अपराध बलात्कार हत्या के विरोध में नेमावर पहुंचे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि देकर शासन से मांग की गई कि असली दोषियों को फांसी की सजा दी जाए व पीड़ित परिवार में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा व नौकरी तथा उचित मुआवजा दिलाने के लिए महेश वसावा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना गुजरात, मंजू विनोद राय प्रदेश अध्यक्ष राजकोण महासभा मध्य प्रदेश, एनआर बुआरी प्रदेश संयोजक कोतोड़ी गुंडवाना महासभा मध्य प्रदेश, विपिन टोपो प्रदेश संयोजक सर्व आदिवासी समाज मध्य प्रदेश, राजाराम फुलचरिया मानव आयोग ट्रस्ट मध्य प्रदेश श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस न्याय की लड़ाई में देश के सभी दरवाजे जो हैं हम सब मिलकर समाज के साथ लड़ने का संकल्प लिया गया। मानवता को समसार करने वाली घटना है जो इनकी जो घटना के अंदर जो विषय है वो तो बाहर आया ही नहीं अभी तक। ना वो आरोपी पकड़े गए, जो आरोपी है इसमें तो तीन आदिवासी पकड़े गए, लेकिन मेन आरोपी जो लड़की के लिए पांचों को दफना गए, जो लड़के का बाप है वहाँ जो इसका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ लेकिन वो राजपूत है, तो वो यहाँ आके धमकी दे के गया था और धमकी दिया कि तुम्हारी लड़की को समझाओ नहीं तो मैं मार डालूँगा, क्योंकि ये कुछ शादी की बात थी कि ये लड़की के साथ शादी करना है वो लड़का और लड़की की, लेकिन लड़के का बाप ने ना बोला कि हम छोटी जाति के साथ हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए ये हुआ है। बाद में ये कांड जो भी किया है पूरा प्लानिंग से किया है और प्लानिंग से इसके अंदर बड़े बड़े लोग अभी तक छुपे हुए हैं, तो इनको पकड़ना चाहिए, जितने भी है सीबीआई तपास होनी चाहिए और FSL तपास भी होनी चाहिए, DNA भी होना चाहिए और ये लड़की के साथ को जो बलात्कार हुआ है जो भी हुआ है वो धारा है तो उसमें ऐड कर दी गई है अभी FIR में, तो 376 की धारा है और जहां तक लग रहा है कि चारों बच्चे जो है वो जो बच्ची है वो भी नाबालिग निकली है तो शायद पास्को भी उसमें पोस्को भी होना चाहिए, पोस्को तो लगेगा ही, वो तो धारा ही देश के अंदर बनी हुई है। लेकिन हमको शंका ये है कि जो मर्डर हुआ है ये मर्डर एक खड्डे में एक जगह पे नहीं हुआ है, ये मर्डर कहीं और पे हुआ है, वहाँ से लाके इसको यहाँ दफना दिया गया है। इसके लिए आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हाँ तो वही CBI मांग, CBI तो CBI चाहिए हम, अगर CBI गवर्नमेंट नहीं देती है मध्य प्रदेश की तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट अगर नहीं देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन न्याय होना चाहिए। तो इतनी घटना जो हुई है वो बहुत शर्मनाक है, देश के अंदर ऐसी घटना बलात्कार 302 बहुत सारे धाराएं किडनैपिंग वहाँ इनका मोबाइल गुम कर देना ये कर देना, तो ये क्या है, इस सरकार की जिम्मेदारी है, अगर नहीं करती है तो पूरा ये समाज मध्य प्रदेश का गुजरात का महाराष्ट्र का राजस्थान का सभी आदिवासी परिवार आदिवासी लोग SC लोग OBC लोग माइनॉरिटी लोग सब मिलके इन पीड़िताओं को हम रक्षा भी देंगे और इनको न्याय भी दिलवाएंगे और चाहे इसको फांसी हो कुछ भी हो इसको करना तो पड़ेगा। इसके लिए जैसे अभी आए दिन क्या है कि लोगों का कहना है कि राजनीति करने के लिए बहुत से दल और राजनेता आते रहते हैं, तो आप क्या राजनीति की ओर से समाज की ओर से किस तरह से आए हैं? हम राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति करते थे शायद छोटू भाई जो वसावा जो है वो 60 टर्म से MLA हैं, राजनीति होती तो हम कांग्रेस भाजप में होते मिनिस्टर बनना होते सांसद होना, तो इसलिए कि गरीबों को यहाँ अन्याय हो रहा है देश के अंदर, इसलिए हम स्वतंत्र लड़ते हैं पहले से, इसलिए हम आए हैं ये समाज के लिए आए हैं, हम ना कोई पॉलिटिक्स करने आए हैं, तो इनको न्याय दिलाने के CBI अरे CBI ने है तो आंदोलन करेंगे, इतनी जनसंख्या है समाज मर थोड़ा गया है, इसके अंदर पूरा समाज पड़ा है पूरा देश पड़ा है, तो हम जरूर जो कानूनी संवैधानिक है हाईकोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट जाना है आंदोलन करना है तो जरूर करेंगे हम। मिशन न्यूज के लिए खातेगांव से कैमरा पर्सन अजय धुर्वे महेश वारीवा के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। मिशन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही,
अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज़।